सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल अगैन। तो गाइज, इस बार मैं फिर से खेलने वाला हूँ ग्रैनी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस गेम प्ले को एन्जॉय ज़रूर करेंगे। सो गाइज, चलिए जल्दी से हम आगे चलते हैं और रोज़ की तरह इस वास को पहले गिराते हैं इधर, ताकि हम ग्रैनी की पोजीशन को भाप सके। तो देखते हैं ग्रैनी कब आती है, और जैसे ही मैं इसको घेरता हूँ ना, ग्रैनी बहुत जल्दी भाग कर आती है इधर। और मैं अगर बात करूँ तो ग्रैनी की स्पीड हमसे बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारा भागना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं अभी ग्रैनी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर रहेगी। तो हाथ पर खून से सना हुआ बेसबॉल बैट है या फिर कुछ और है, तो इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ खासकर, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें समझना होगा और हमें क्लूज खोजने होंगे। तो देखते हैं, अब हम शायद उठते हैं इस बिस्तर के नीचे से। ग्रैनी की पोजीशन असल में मुझे पता नहीं है, एंड ग्रैनी यहां पर आएगी, और गाइस ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ये रास्ता, क्योंकि ग्रैनी जब आती है ना इधर, जब मैं नीचे जैसे अभी जा रहा हूँ, देखो जैसे मैं अभी आ गया और मैं इधर बंद हो गया, इधर एक ग्लिच लगता है मुझे। मैं जब तक बाहर नहीं निकलता हूँ ग्रैनी एक जगह पर अटकी रहती है, और जैसे ही मैं इसके बाहर मतलब अलमारी के बाहर मैं अपने कदम रखता हूँ ना, तो ग्रैनी पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाती है और मुझे मार देती है। तो मैं यहाँ पर हमेशा अटक जाता हूँ। अगर यहाँ पर से ग्रैनी चली जाती है तो मैं आसानी से इस लेवल को पार कर जाऊँगा, और मतलब लेवल नहीं बोल सकता, तो मैं आसानी से इस फ्लोर को क्रॉस कर कर मैं नीचे जा सकता हूँ और भी क्लूज खोज सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ग्रैनी जा चुकी है ना, अगर ग्रैनी जा चुकी है तो मुझे ये गेट खोलना चाहिए। तो मैंने ये गेट खोल दिया। देखो अब मैं जैसे ही बाहर आया, ग्रैनी आ गई, यही तो दिक्कत है। और मैं किस चीज के बारे में बता रहा था तुम लोगों को? हम ठहरे भाई 120 साल के बुढ़े इस गेम के अंदर, जो भाई भाग भी नहीं सकते ग्रैनी से तेज। छुप जाओ बस जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। तो अब मुझे उठ जाना चाहिए। अरे पता नहीं भाई कौन से रूम खोल रही है वो, एंड क्या मुझे चले जाना चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। अबे हट जा। अरे भाई ये क्या गिरा इधर, और तुम्हें पता ही है जरा सी भी आवाज आए तो ग्रैनी तुरंत उधर हाजिर हो जाती है। साउंड सेंसिटिव है ग्रैनी। ओके, तो मेरे ख्याल से ग्रैनी जा चुकी है, एंड अगर ग्रैनी जा चुकी है तो मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, है ना? तो विदाउट एनी डिले मुझे निकल जाना चाहिए। सो सही टाइम आने पर हम ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, तो मैं गलत हो गया काम। नो प्रॉब्लम गाइज,
एंड ये है रिमोट कंट्रोल। तो गाइज आज मैं यहीं तक खेलना चाहूँगा एंड इसका अगला एपिसोड अगर आप लोगों को देखना है तो गाइज इस वाले वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अब मैं आपसे नेक्स्ट वाले गेम प्ले वीडियो पर मिलता हूँ। फिलहाल अभी मैं बस रिमोट तक पहुँचा हूँ और इसको कहाँ यूज़ करना है ये भी मुझे पता है। इसको यूज़ करना है उस दरवाजे के पास जहाँ पर घंटियाँ सी नहीं लगा रखी थी, वही उसको उसी के पास यूज़ करना है। सो गाइस मैं नेक्स्ट गेम प्ले पे मिलता हूँ आप सभी से और तब तक के लिए बाय। ओके, तो मैं चलता हूँ, ठीक है।